हेलो कासिम सर, हेलो श्रेया मैम, हाय, वेलकम टू आवर थैंक चैनल। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाना यू, बाहर आ गया, गाना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज के लॉन्च से कि आज गाना फाइनली लॉन्च हुआ है, क्या कुछ कहोगे? इतने सारे गेस्ट आए थे, इन्फ्लुएंसर्स आए थे, कैसा लग रहा है? पहले आप कुछ इन्फ्लुएंस को मैं पहले से जानती थी इन्हीं की वजह से, और विंदु दारा सिंह सर जो आए थे उनको तो मैंने फर्स्ट टाइम आज मिली हूँ और बहुत अच्छा लगा इतने बड़े स्टार को मिलके। आप क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी एक आवाज़ पे इतनी सारी जो मेरे दोस्त, मेरी टीम समझिए एक तरह से, जिनके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा, और मेरी एक आवाज़ को टाला नहीं उन्होंने। मैंने सिर्फ एक मैसेज किया और वो रेडी थे कि मैं 10 मिनट में 20 मिनट में आ रहे हैं, बस रुको ऐसा करके। तो बहुत अच्छा लगा कि सबका सपोर्ट मिला मुझे, और यहाँ तक कि जो लोग एक मतलब प्रमोशनल लेवल पे भी जुड़े हैं बहुत सारे लोग, वो भी सब अपने दोस्त हैं और आगे मेरी एक आवाज पे। एग्जैक्टली, फाइनली इवेंट जो है काफी ग्रैंड हो गया, सक्सेस हो गया। लेकिन इसके बाद अब मैं बात करूँ तो जिस तरीके से ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी, वेल आप एक खुद राइटर थे, तो राइटर से अब आप एक एक्टर हो, साथ में आप मीडिया में भी काम कर चुके, तो इतने सारे शेड्स कैसे आप करते लेते हो? कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए करना पड़ता है। सबसे बड़ा ये है कि मुझे बॉम्बे में एक कुछ तो करना था। जब मैं घर से निकला था तो मैं ये सोच रहा था मैं कुछ तो करूँगा, लेकिन मैं एज ए राइटर बहुत स्टेज शो कर चुका हूँ। पहले कम से कम 600-700 मेरे स्टेज शो हैं जो मैंने एज ए कवि, जो कवि होते हैं उस तरह से मैंने परफॉर्म किया है। तो कैमरे का तो मुझे नॉलेज पहले से था, स्टेज पे जा के कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो मैंने देखा लाइन के, मैंने जब फर्स्ट सीरियल किया था, पहली बार सीरियल मैंने किया था, एक छोटा सा सीन किया था उसमें पागल का, तो उस वक्त मुझे ये लगा कि नहीं ये बहुत अलग है स्टेज शो से। लेकिन वो करने के बाद मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने दो चार लोगों से राय लिया, मैंने क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो बोले हाँ करके देखो एक बार, ट्राई करो, तुम राइटर हो, तुम गाने भी लिखते हो, तुम कहानी भी लिखते हो। मैंने कहा हाँ। तो मैंने धीरे धीरे करके, एक हामिद सर की फिल्म आई उसमें मैंने काम किया, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ की कि नहीं तुमने अच्छा किया और फर्स्ट टैग दिया, तो फिर मैंने शुरू कर दिया ऐसा, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अमेजिंग। आपसे जानना चाहूंगी, आप ऑलरेडी मराठी में इतना काम कर चुके, इतने पॉपुलर फेस हो, तो मराठी से हिंदी में जब आपका जो प्रोजेक्ट्स आए या फिर जब आपने काम करना स्टार्ट किया, म्यूजिक सॉन्ग हो गया जैसे ये पहला आपका है, लेकिन कितना चेंज आपको एक पैटर्न में नजर आया कि एक मराठी में होता है और एक हिंदी में होता है? देखिए, मराठी को तो मैं बुरा नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि आई एम अ गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, लेकिन मराठी से काफ़ी ज़्यादा मुझे हिंदी में अच्छा लग रहा है, और ये राष्ट्रीय भाषा है तो आई कैन स्पीक इट मोर फ्लुएंटली विद द हेल्प ऑफ हिम। ये मुझे सिखाते हैं, उर्दू भी ये मुझे अभी सिखा रहे हैं, एंड ही इज़ वन मैन आर्मी, ये सब चला रहे हैं अभी, पूरा इसने प्रोडक्शन चलाया, पूरा ये आज का इवेंट इन्हीं ने खड़ा किया है, और शूटिंग भी इन्हीं ने सब खड़ा की है, और क्या क्या इनसाइड एंड आउटसाइड सब खड़ा कर लेते हैं ये। इज अ वन मैन आर्मी, पॉजिटिवली लीजिए आप। कुछ चीजें डिले हुई या सब चीजें ऑन टाइम थी, कैसा रहा? लिरिक्स जब बने उसके बाद बहुत ज्यादा डिले हुआ बीच में, है ना, शूटिंग के लिए। मैं बताता हूँ क्या हुआ कि हम एक गाना कर रहे थे, वो गाना था रोहन मेहरा और आरती सक्सेना का, तो वहाँ पे एक छोटा सा सीन था, तो ये मुझे कहीं पे मिली कास्टिंग के थ्रू, मतलब ऑडिशन के थ्रू। तो मैंने फेस देखा, मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि मुझे फोटो शूट करना है, नहीं करना नहीं, आपने जबरदस्ती किया था। मैंने कहा कि एक काम करिए, आप एक फोटो शूट कर लीजिए। तो वहाँ पे हमारी कुछ लड़ाई भी हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने, मैंने कहा कि एक छोटा सा सीन है, करोगी क्या, हिंदी गाना है, रोहन मेहरा है, तो बोले हाँ कर लूंगी। तो ये वहाँ पे आई, तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा एक होता है ना, इंसान जब किसी से मिलता है तो ऐसा होता है कि नहीं कुछ अपनापन है, कुछ एहसास है, तो हाँ मैंने इनसे बात करना शुरू किया। तो वहाँ से मैंने प्लान किया कि हम एक गाना मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, और मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए, तो क्या आप काम करोगी, ऐसा करके। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना काम किया है, क्या क्या, मुझे कुछ नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी बिल्कुल, ज़रा भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। तो वहाँ से हमने प्लान किया, और बहुत लेट लेट होता गया, फिर डायरेक्टर ने मुझे, म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत लेट किया, एक महीना किया, फिर जब हमारा हो गया गाना, फिर ये अचानक में इन्होंने कहा कि हमारे पास एक मिक्स मास्टर के बहुत अच्छे इंजीनियर है और पुणे में है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम सिद्धेश भाई से मिले, स्पाइन लीफ स्टूडियोज के ये ओनर है, स्पाइन लीफ स्टूडियो, इनका मराठी के बहुत अच्छे अच्छे गाने किए इन्होंने, उनसे मिले। उसके बाद हम जो है शूट पे जब जाने लगे, तो कुछ लॉकडाउन की प्रॉब्लम थी, कुछ ये था, बहुत चीज़ें थी, लेकिन सब मैंने
शॉर्ट आउट करके वन मैन आर्मी बोला तो सही मैंने एग्जैक्टली एंड इसके अलावा एक दूसरे से जानना चाहूंगी ऐसी कौन सी क्वालिटी आप दोनों को एक दूसरे में ऐसे नजर आती है जिससे आपको वाकई लगता है कि मतलब ये एक अच्छे एक्टर है या ये एक अच्छी एक्ट्रेस है, ऐसी कौन सी क्वालिटी एक दूसरे में नजर आई है? नहीं, इस मामले में तो मैं ये कहूंगा कि जब मैं गाना कर रहा था तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, सही पूछो तो मुझसे सीन नहीं हो रहे थे, लेकिन इन्होंने किया हुआ ऑलरेडी पहले काम तो मुझे बताया कि हैदर ऐसे, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता कभी कभी, क्योंकि पानी में लेटे लेटे एक घंटा हो गया, मैं करूं तो क्या करूं यार, ठंड लग रही है, सीन नहीं हो रहे हैं, कैमरामैन गाली दे रहा है मेरे को, यार क्या कर रहा है भाई। अब बहुत मुश्किल होती है कभी कभी कि दो घंटे पानी में बैठे हैं और सीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो लाइट लगा रहा है, कोई कैमरा लगा रहा है, कोई लाइटिंग लगा रहा है, रात में इतना मतलब थक गए थे कि फीवर भी हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हुआ, सुबह उठे फिर भागना भी था, सुबह उठ के फिर घर आना, बहुत अब प्रोडक्शन को संभालना पूरा, वो सबको मैंने पूरा टीम वर्क है, सो हमारी टीम बेस्ट थी, वी ऑल लव देम राइट, पूरी टीम ने कासिम जी ने तो बता दिया कि आपने उनको किस तरीके से शूट में संभाला, कोऑपरेट किया, लेकिन आप बताइए कासिम की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको काफी पसंद आती है? ये कभी गुस्सा नहीं होते सेट पे, बाकी होते हैं सेट पे कभी गुस्सा नहीं होते, ये बहुत वेल सेटल्ड और सेटल्ड पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, इनकी ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनके पास बहुत गुण है लेकिन ऐसे दिखाते नहीं कि मुझे सब आता है, दिखाते मुझे कुछ नहीं आता और सीखना है। एंड जिस तरीके से ये गाना तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोग पहली बार कर रहे हो एक दूसरे के साथ काम, ऐसा लग रहा है इसके पहले भी काफी आप लोग साथ में काम कर चुके हो, लेकिन इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट, वापस से हम आप दोनों को एक साथ दोबारा कब देख सकते हैं, क्या कुछ और भी चीजें हैं प्लान? या वी आर प्लानिंग 3 सॉन्ग्स इन राजस्थान, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। एग्जैक्टली उसकी जॉनर की बात करो तो वो कैसे जॉनर होंगे? वो नॉर्मल रोमांटिक रहेंगे, ऐसा बोल्ड रोमांटिक नहीं है, लेकिन रहेगा वो भी, क्योंकि मेरा जो फ्लेवर है वो सैड रोमांटिक होता है या फिर He's a writer, lyricist as well, na? That's why. Okay. So, अगर श्रेया जी के लिए कुछ शेयर करना हो और तो क्या, कौन सी शेयर करना चाहोगे? मैं यही कहूंगा शेयर आप राइटर हो याद नहीं करके आए होंगे आज नहीं वो इंस्टेंट आता है राइटर से। मैं आज के बाद पता नहीं कब मुलाकात हो तो 4 मिसरे सुन लो आप okay. के चरागों को आंखों में महफूज कर लो, न जाने कहां फिर सियाह रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वाह वाह अमेजिंग, वाह काफी अच्छा लगा, क्या कुछ कहना चाहोगे श्रेया जी, कैसा लगा? ये उर्दू था राइट, ऑलराइट, अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? बोलिए, आपके फैंस इंतजार कर रहे हैं। फैंस अभी बोलेंगे कि सॉन्ग कैसा था, उस पर डिपेंडेंट है मेरे कमेंट, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे कि रिलीज़ कब है, लॉन्च कब है, हम आना चाहते हैं, लेकिन इतना दूर कोई आ नहीं सकता, बेसिकली मैं जलगांव से हूँ और वहाँ से कोई आ नहीं सकता, मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिलीज बहुत वेट कर रही थी लॉन्चिंग देखने के लिए या फिर सॉन्ग देखने के लिए, लेकिन हाँ दे आर माई फैंस एज वेल, माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, बट दे आर नॉट एबल टू रीच हियर। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इतना सपोर्ट करिए, मैं और इतना बड़ा करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए आपसे।